हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा IBPS ISO प्री के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये क्लास नंबर 1 होने वाली है और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अब आने वाले जितने भी दिन हमारे पास में बचे हैं उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्लासेस डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नंबर सीरीज़ की होगी, उसके बाद में अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हम लोग पजल भी सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की हम लोग DI भी सॉल्व करेंगे ताकि अच्छा खासा स्कोर जो है वो हमारा IBPS ISO में हो जाए। क्लियर है? तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे IBPS पीसो की, IBPS ISO की, जो कि नेक्स्ट डेज में आने वाली है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगी इसके नीचे मैं वीडियोज़ की जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी को। क्लियर है? तो चलिएगा, चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, थोड़े से सारे पैटर्न देख लेते हैं और आपको प्रैक्टिस जो है वो देखिए खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा खुद से करोगे ना, देखिए उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर है? एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लास्ट के लगभग 10 दिन हमारे पास में बचे हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना लास्ट के 10 दिन में, 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइएगा, मिनिमम है ये, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। कौन से लगाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ में। देखिएगा, परीक्षा ऐप के मॉक टेस्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड करने का लिंक भी दिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ये जो कूपन कोड दिया हुआ है यहाँ पे GRAMGOV40, इस कूपन कोड को अगर यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। IBPS ISO प्री के बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, आपके जो आपका एग्जामिनेशन होने उसके बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है आपके लिए। आप एक बार इसका फ्री वाला जो टेस्ट है वो भी ज़रूर लगा के देखिएगा और अगर आपको पसंद आते हैं टेस्ट तो परचेज़ भी बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के देखिएगा 10 दिन हमारे पास में बचे हैं तो अब 100 रुपये लग रहे हैं या 120 रुपये लग रहे हैं, इस चीज़ को हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हमें जॉब चाहिए तो हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे इसी बार, क्योंकि फिर IBPS ISO अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो फिर ये नेक्स्ट ईयर ही आएगा आपका, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, पूरा 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो चीज़ें जो हैं वो अगर आप चाह रहे हो कि आपके फेवर में हो तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप लोग क्या होगे, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उससे बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाओगे। यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न से पहले आप लोग 10 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी पहले। क्लियर है? तो आप लोग थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाओगे इस चीज़ के साथ में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर पाओगे वहाँ पे। आई होप सो कि चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे, और बेनिफिट जो होगा देखिए इस ऐप से आपको, वो आप लोग खुद ही मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत से चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं परीक्षा ऐप से और मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आप लोग यूज़ करना चाह रहे हो तो परीक्षा ऐप यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपका ट्रिक्स में यूज़ होगा। आप बोलते हो ना कि ट्रिक्स चाहिए, तो वो ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किस तरीके से यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग सारे के सारे चीज़ें समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको 10th क्लास का मेथड जो होता है, हमने 10th क्लास में सीखा था, 8th क्लास में सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, उससे अगर सॉल्व करने जाओगे तो देखिए क्या तरीका होता है। फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वेरिएबल होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, कॉन्स्टेंट से। तो इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसके ऐसे दो फैक्टर फाइंड करो जिनको प्लस या माइनस करने पर तो 36 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। क्लियर है? उसके बाद में आपकी इक्वेशन बनती थी कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से लिखते थे इस इक्वेशन को, और एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, और फैक्टर आपके मान लीजिए 18 और 18 आएंगे यहाँ पे, तो आप इस तरीके से लिखते थे 18x - 18x और फिर उसको सॉल्व करते थे। तो तरीका तो यही होने वाला है, अभी भी चेंज नहीं होगा, बट इसमें हम लोग थोड़े से ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स क्या होंगी, देखिए क्वेश्चन में आपके सामने एक यहाँ पे लिखे हुए साइन नेगेटिव और पॉजिटिव, आपके जो फैक्टर्स होने वाले हैं ना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, इसके जो फाइनल फैक्टर्स होने वाले हैं उनके जो साइन होने वाले हैं, वो अगर आपको पहले ही पता चल जाए ना तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज़ हेल्प करेगी हमारा वो कॉन्सेप्ट, आपको वो थोड़ा सा समझना होगा कि अगर क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, जो फाइनल फैक्टर्स हमारे आने वाले हैं इस इक्वेशन के, उनके साइन क्या होने वाले हैं। अगर ये चीज़ हमें पहले ही पता चल जाए तो हम लोग इनको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ का कॉन्सेप्ट है उस वाली ट्रिक पे, तो उसके ऊपर हम लोग फिर से चलते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखा रहा है, तो उसके जो गुणनखंड होंगे, उसके जो फैक्टर होंगे, वो हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव शो करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे उसके फैक्टर। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव और नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहने वाला है, और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये
पॉजिटिव और पॉजिटिव रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप क्या करना, आपके पास में जैसे रफ शीट आ जाए, एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, आपके पास में रफ पेपर आ गया, उसके पास में किसी भी एक कॉर्नर पे छोटे छोटे आप लोग लिख लीजिएगा। या अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, क्वेश्चन आने के बाद में आप नहीं रिलेट कर पाते हो जल्दी से, तो लिख लेना है छोटा सा, जब एग्ज़ाम शुरू हो उससे पहले, एक दो मिनट पहले, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा वहाँ पे कि हाँ। और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख के इनको लिख सकते हो। चलिएगा, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, किस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आजकल। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 25, सेम काम आपको करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया? 25, पॉजिटिव का 25 आया। अब दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर 25 आए, तो वो होंगे 5 और 5। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके साइन देखने हैं, जैसे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जैसे ही आप नेगेटिव और पॉजिटिव देखोगे तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाला दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो इसके फैक्टर्स होंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होने वाले हैं। तो क्या करूँगा मैं, पॉजिटिव का 5 और पॉजिटिव का 5, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के। 5 × 5 कितना होता है? 25, और 5 + 5 कितना होता है? 10। क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 5 और माइनस का 5, क्योंकि 25, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर पहले से रूट लगा हुआ होता है किसी नंबर के ऊपर, मान लीजिए कि ये रूट 25 लिखा हुआ होता, तब इसका आंसर होता ओनली प्लस 5, सिर्फ पॉजिटिव का 5। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे सामने सिर्फ 25 लिखा हुआ है, और यहाँ से स्क्वायर हटा के हम लोग रूट लगा रहे हैं, तब इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, दोनों में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर पहले से रूट लगा हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव, और अगर हम लोग खुद से रूट लगा रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड से हटा के यहाँ पर रूट लगा रहे हैं वाई स्क्वायर से हटाकर, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब क्या करना है, देखिए ये तो एक्स वाले फैक्टर्स हो गए, ये वाई वाले फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं हम लोग। देखिए प्लस 5 को प्लस 5 से कंपेयर किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इस प्लस 5 को इस प्लस 5 से कंपेयर किया, तो फिर से एक्स और वाई क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इस प्लस 5 को इस माइनस 5 से कंपेयर किया, तो x क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, x जो है वो बड़ा हो गया। इस पॉजिटिव 5 को इस नेगेटिव 5 से कंपेयर किया, तो x जो हो गया वो ग्रेटर देन हो गया। यानी कि हमारे पास में ये इक्वेशन बनी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास में दिया हुआ है। डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। बहुत आराम से समझा दिया है मैंने पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपको देखते पता चल जाएगा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना, 324 के फैक्टर्स करने, 36 आना चाहिए, तो वो दोनों 18 और 18 ही होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव। 441 के आप लोग फैक्टर्स करोगे, 21 और 21 आ जाएंगे। सिंपल है, आप कंपेयर करके देख लेना, यहाँ से y ग्रेटर देन आ जाएगा, y बड़ा आ जाएगा, यहाँ से y बड़ा और यहाँ से भी y बड़ा, तो एक ही इक्वेशन बनी यहाँ पे, x y इज ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन नंबर b क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप इन क्वेश्चन को ना 5 से 6 सेकंड में भी ख़त्म कर सकते हो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने ट्रिक्स अच्छे समझ ली और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे, पॉजिटिव और पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, कभी भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आपके सामने, तो आपके जो फैक्टर्स के साइन है वो हमेशा नेगेटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके फैक्टर्स क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। अब इस क्वेश्चन को ना मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ इन साइन से ही कंपेयर करके बता सकता हूँ कि कौन बड़ा होने वाला है और कौन छोटा होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की आएगी, एक्स में जो भी वैल्यू आएगी दोनों वो नेगेटिव की आएंगी, और वाई में दोनों वैल्यू किसकी हैं, पॉजिटिव की हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर वाई ऑलवेज पॉजिटिव है और एक्स ऑलवेज नेगेटिव है, तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव है और बड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको फैक्टर्स फाइंड करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ साइन से कंपेयर करके बता सकते हो कि वाई क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी सी ट्रिक्स है, इन चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान रख लेते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, और यही वो चीज़ होते हैं जिनसे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और आपके अटैम्प्ट भी बढ़ जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, कंपेयर करके कुछ ना कुछ लिखोगे, हो सकता है कि वहाँ पे जल्दी के चक्कर में गलती हो जाए, बट साइन से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स को अगर यूज़ कर पाओ तो बहुत आसानी से आप लोग ट्रिक्स यूज़ कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी देखिए मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। जनरली मैं बहुत मन से बोल रहा हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को,
और फिर देखना कि आप कितना टाइम लगा आपको। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 6 सेकंड भी लग रही है ना, तो भी आप बहुत लेट हो। 6 सेकंड भी बहुत लेट कर दिया है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा कि लास्ट में दोनों में नेगेटिव है। तो कभी भी लास्ट में दोनों में नेगेटिव अगर आ जाता है आपके पास में, यानी कि इक्वेशन वन में आपका जो कॉन्स्टेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, माइनस का, और इक्वेशन वाई में भी क्या होने वाला है, माइनस का। तो अगर दोनों लास्ट के माइनस के हैं तो इन दोनों में आप लोग जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश या नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ई मैं क्लिक कर दूंगा, देखते हैं अगर दोनों माइनस में है तो। अगर आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को तो आप ट्राई कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ध्यान रखना है माइनस और माइनस आएगा तो फिर उसके सॉल्यूशन फैक्टर्स जो होंगे वो किस साइन के होंगे, इस तरीके से। तो अगर लास्ट में माइनस और माइनस है तो मैं ऑलवेज आंख बंद करके रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब देखिएगा इसमें नेगेटिव है और पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है और पॉजिटिव है। चलेगा, क्या करना है, फर्स्ट को क्या करना है, लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 270। फर्स्ट को लास्ट से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 270 आ गया। अब 270 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे 37 आए, तो वो कौन कौन से होंगे, 27 और 10। सिंपल सी तो चीज़ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सेकंड वालों के भी अगर आप निकाल रहे हो तो सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, 3 × 30 कितना हो जाता है, 90। तो 90 के दो फैक्टर 10 और 9। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा 27 और 10। अच्छा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब मैंने ये 9 से डिवाइड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा आपको भी करना है अगर आपका एक्स स्क्वायर के साथ में कोई एक नंबर लिखा हुआ है या वाई स्क्वायर के साथ में कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, उससे डिवाइड करना होता है। यानी कि लास्ट में क्या करना है आपको, दोनों फैक्टर आपके आए कितने, 27 और 10, तो दोनों को डिवाइड करना है इस वाले नंबर से जो कि एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है। सेम वाई वाली इक्वेशन में भी अगर वाई स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है तो उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइड करते हो, देखिएगा उसके बाद में मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो 9 को डिवाइड किया मैंने, कितना टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। पहले मैं x वाले लिख रहा हूँ, 3 आ जाएगा, और 10 यानी कि 1 point something आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1 point something चलेगा ये वाला। और अगर y की मैं बात करूँ तो ये 3 point something आ जाएगा, 3.3 के आसपास, और ये आ जाएगा पॉजिटिव का 3। अब मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए इस 3 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस 3.33 के साथ में, तो y बड़ा हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो एक्स, वाई इज़ ग्रेटर देन x। नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चेक किया तो y बराबर हो गया, यानी कि y क्या है, बराबर भी है। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। नेक्स्ट से कंपेयर किया तो y बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 point something है और ये 3 point है, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये 1 point something और ये 3 है। तो y क्या हो जाएगा, दोनों में बड़ा हो जाएगा। यानी इक्वेशन का हमारा रिलेशन क्या बना, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 question मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग देख लीजिएगा, जो भी साइन है, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।